संसद घुसपैठ मामले में आरोपी ललित का बड़ा खुलासा, अपने दोस्त महेश के साथ मिलकर जलाए आरोपियों के मोबाइल। संसद सुरक्षा सेंध मामले में पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लिया, महेश और कैलाश से स्पेशल सेल की टीम कर रही है पूछताछ। संसद सुरक्षा सेंध मामले में पांचवा आरोपी ललित झा हुआ गिरफ्तार, बीती रात दिल्ली के कर्तव्य पथ से उसे गिरफ्तार किया गया। आरोपी ललित झा की आज कोर्ट में होगी पेशी, पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी होगी, रिमांड की मांग करेगी पुलिस। संसद की सुरक्षा चूक मामले में जांच हुई तेज, क्राइम सीन रिक्रिएट करेगी दिल्ली पुलिस की टीम। दिल्ली पुलिस को मिली आरोपियों की रिमांड, पटियाला हाउस कोर्ट ने चारों आरोपियों को 7 दिन की रिमांड पर भेजा। संसद में सुरक्षा की में चूक मामले में आज भी संसद में हंगामे के आसार, गुरुवार को हंगामे के दौरान 14 सांसदों को सस्पेंड किया गया था, विपक्ष गृहमंत्री अमित शाह के बयान पर अड़ा है। संसद सुरक्षा चूक मामले पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का केंद्र सरकार पर निशाना, बोले पीएम मोदी और गृहमंत्री दे जवाब, ये अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी ने कहा, राजनीति करने की हमारी मंशा नहीं, लेकिन हम सवाल पूछेंगे। राजस्थान में आज नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह, मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे भजनलाल शर्मा, शपथ के लिए भगवान का लिया आशीर्वाद, दोनों डिप्टी सीएम और स्पीकर भी लेंगे शपथ। जयपुर के ऐतिहासिक अल्बर्ट हॉल के बाहर होगा समारोह, पीएम मोदी गृहमंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के कई बड़े नेता होंगे शामिल। मथुरा ईदगाह में सर्वे के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मुस्लिम पक्ष, हाईकोर्ट के आदेश पर रोक की मांग को लेकर दाखिल की याचिका, आज होगी सुनवाई। आज से शुरू होकर दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र, कई बिलों पर होगी चर्चा, सुबह 11 बजे होगी सत्र की शुरुआत, 4 दिन चलेगा यह सत्र। असम के जोरहाट में मिलिट्री स्टेशन के पास हुआ धमाका, उग्रवादी गुट उल्फा ने ली जिम्मेदारी, ब्लास्ट में कोई हताहत नहीं। 17 दिसंबर को पीएम मोदी का वाराणसी दौरा, सीएम योगी ने काशी पहुंचकर की तैयारियों की समीक्षा, काशी विश्वनाथ धाम में की विशेष पूजा। दिल्ली में आज कड़ाके की ठंड, 4.9 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान का पारा, साथ ही सीजन का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया। उत्तर भारत के 3 राज्यों में भारी बर्फबारी, जम्मू कश्मीर में आज भी बर्फबारी का अलर्ट, उत्तराखंड के कई जिलों में दिए गए अलाव जलाने के निर्देश। नई ऊंचाई पर पहुंचा शेयर बाजार, सेंसेक्स ने पहली बार पार किया 70,850 का आंकड़ा, पहली बार 21,300 के पार पहुंचा निफ्टी। ऑस्ट्रेलिया के कई हिस्सों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, बारिश के बाद सड़कों पर भरा पानी, उखड़े पेड़। भीषण बाढ़ की चपेट में केन्या के कई इलाके, बाढ़ में फंसे लोगों को किया जा रहा है रेस्क्यू।